संजना जी, आज आपकी और आपकी एजेंसी की वजह से मेरे बेटे का एक अच्छी जगह रिश्ता तय हुआ है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यू आर वेलकम। ये शादी का कार्ड है और देखिए, आपको ज़रूर आना है। ज़रूर आऊँगी। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। एक्सक्यूज मी मैडम, एक शर्मा जी बाहर आए हुए हैं। हाँ, उनको अंदर भेज दो। थैंक यू। मुझे धर्मवीर शर्मा कहते हैं। कहिए शर्मा जी, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? दरअसल मैडम, मैं अपने बेटे नितिन के रिश्ते के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूँ। शर्मा जी, हमारे यहाँ पॉलिसी है कि हम लोग क्लाइंट से डायरेक्टली बात करते हैं, इसके लिए आपके बेटे का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम तो यही है मैडम कि वो यहाँ आना नहीं चाहता, और अगर देखा जाए तो वो शादी भी करना नहीं चाहता। हालांकि इस प्रॉब्लम से आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप मेरी मजबूरी को समझ सकती हैं कि मैं कितना लाचार और मजबूर हूं कि मैं एक अजनबी के पास अपनी फरियाद लेकर आया हूं। मैडम, आप इस एजेंसी की काउंसलर हैं, आप रोज नए रिश्ते बनाती हैं। मेरी आपसे विनती है कि मेरे बेटे के लिए आप कोई रिश्ता ढूंढकर उसको राजी कर लीजिए। डायरेक्ट, मैं आपसे हजार बार कह चुका हूं कि मुझे किसी मैट्रिमोनियल एजेंसी में काम करने वाले से नहीं मिलना है। प्लीज लीव मी अलोन डैड। एक मिनट, आप थोड़ी देर बैठेंगे प्लीज? बैठ जाओ। यहाँ ही मेरी सब कुछ थी। जितना मैं नेहा से प्यार करता हूँ, उतना मैं किसी और से नहीं कर सकता, क्योंकि नेहा मेरा पहला प्यार है। नितिन, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि पहले प्यार का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे और पुरानी यादों को, पिछली यादों को अलविदा कहना होगा, बस। प्लीज, अब आप कुछ मत कहिए। मुझे मेरी यादों से जुदा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब वही मेरे जीने का सहारा है। मुझे भले ही किसी के प्यार पर कोई हक नहीं, लेकिन अपनी यादों पर मेरा पूरा हक है, और वो हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और पहले प्यार का कोई मुकाबला नहीं। यार चला जाए, याद नहीं जाए, यार चला जाए, याद नहीं जाए, जान चली जाए, प्यार नहीं जाए, संजना, कब तक, आखिर कब तक तुम रिश्ते यूं ही ठुकराती रहोगी? हम लोग तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ कर लाते हैं और तुम उनसे मिलने तक से इनकार कर देती हो। मैं आप लोगों से कई बार बता चुकी हूँ, फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। अब मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। संजना, चेहरे पर यादों की शिकन, चेहरे पर यादों की शिकन, दिख भी न पाए, छुप भी न पाए, दिख भी न पाए, छुप भी न पाए, क्यों ना वो बिखरा आहिस्ता आहिस्ता, क्यों ना वो बिखरा आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे अचानक टूट।
ना वो रिश्ता, तुम ना पाए संभल हम भी ना पाए, तुम ना पाए संभल हम भी ना पाए, हम भी ना पाए। आँखों में आंसू का सावन, आँखों में आंसू का सावन, बह भी ना पाए हम भी ना पाए, भी न पाए छुप भी न पाए, मिल भी न पाए छुट भी न पाए, चेहरे पर यादों की शिकन। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इन्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं। जी हाँ, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो। जाओ वहां जाकर अपना गाना गाओ, वही तुम्हारी सही जगह है। मेरे लिए सही जगह वही है, लेकिन आपकी सही जगह इस होटल से बाहर है। ए, जबान संभाल के बात कर, जानता नहीं मैं कौन हूँ? 24 घंटे में तुझे इस होटल से बाहर कर दूंगा मैं। ठीक है, 24 घंटे में आप मुझे इस होटल से निकाल दीजिएगा, लेकिन अगले 24 सेकंड में आप यहां से निकल रहे हैं। वेटर, वेटर, इन जेंटलमैन को यहां से बाहर छोड़ाइएगा। ए, खड़ा। इजी, 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 वेरी गुड। आराम से, आराम से। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स मोर। देयर यू गो। गुड नाइट। अब मैं क्या करूं? संजना वधावन। हेलो। हेलो जी, क्या ये संजना वधावन का घर है? जी हाँ, आप कौन? जी मेरा नाम विक्रम नारंग है, मैं होटल प्रिंसेस गार्डन में सिंगर हूँ। जी कहिए। एक्चुअली जिस रेस्टोरेंट में मैं गाता हूँ, संजना आज वहाँ आई थी और शायद ड्रिंक्स थोड़े ज़्यादा ही हो गए। क्या हुआ संजना को? कुछ नहीं, नथिंग टू वरी, बस थोड़ा होश को बैठी हैं। मैंने इन्हें होटल के एक रूम में चेक इन करा दिया है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। देखिए नथिंग टू वरी, संजना अभी बहुत गहरी नींद में सो रही है, आई डोंट थिंक हमको उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। और वैसे भी अभी वो घर जाने की हालत में तो है नहीं, एंड आई थिंक सवेरे वो खुद ही अपने घर आ जाएगी। वैसे अगर आपको थोड़ा भी शक हो तो आप होटल अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। नहीं बेटे, इट्स ओके, तुम्हारी आवाज में कुछ तो है कि तुम पर यकीन करने को जी चाहता है। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, थैंक यू।
तो आप उठ गई। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विक्रम नारंग है। कल रात में आपको रेस्टोरेंट में मिला था, लेकिन आप शायद मुझे मिलने की हालत में नहीं थी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल कल जब मैं रेस्टोरेंट में गा रहा था, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आप रेस्टोरेंट में आई। आपके आते ही सारे रेस्टोरेंट में ताजगी की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही वक्त बीतते रहा, मुझे एहसास होने लगा कि जिसे मैं ताजगी की लहर समझ रहा हूं, दरअसल वो आंधी है। आंधी एक के बाद एक, गटागट गटागट आप जाम पे जाम नोश फरमाते रहे, और उस नोश के चक्कर में आप अपने होश खो बैठी। साफ साफ बताइए, मैं इस रूम में कैसे आई? मैं लाया? अरे यकीन नहीं होता। देखिए मैडम, देखने में मैं कुछ ऐव ही हो सकता हूँ, लेकिन इन बाजों में काफ़ी दम है। अगर आप मुझे चैलेंज करती हैं, तो मैं आपको इन्हीं बाजों में उठाकर आपके घर तक ले जा सकता हूँ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? लो, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करो, बदले में जूते पड़ते हैं। अगर मैं आपको यहाँ नहीं लाता ना, तो अभी तक आप उस रेस्टोरेंट में पड़ी होती। तो पड़े रहने देते मुझे वहाँ? तुमने किस हक से मुझे छुआ? तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता ही क्या है? या फिर तुमने सोचा होगा कि वहाँ से मुझे यहाँ लाकर मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो जाऊंगी, वाहवाही करूंगी तुम्हारी, तुम पर फिदा हो जाऊंगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, मैं इन पैंथरों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। शट अप। सुनो, तुमने मुझे यहाँ ठहराने का जितना भी पैसा दिया है, मैं अभी जाके रिसेप्शन पे वो सब क्लियर कर देती हूँ। और हाँ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए वो भी मुझे बता दो। क्या? यस, इस मदद की तुमने क्या कीमत लगाई है? 1 रुपया। What? I'm sorry, शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको छूने की कीमत 1 रुपये से ज्यादा होनी चाहिए। अब तो हद कर दी तुमने। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी होटल में नशे में धुत पाई जाएगी। तुम्हें खानदान की और मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहा? I'm sorry, पापा, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं बताता हूँ ये कैसे हो गया। देखो बेटा, ये घर न बसने की वजह से तुम्हारे दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और तुम अपना संतुलन खोती जा रही हो। अगर मेरी मानो तो जल्द से जल्द अपना घर बसाने की कोशिश करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो के। बस भी कीजिए आप, बस रात दिन एक ही बात के पीछे पड़े रहते हैं। कर लेगी मैं वो शादी, मैं उसे मना लूंगी। चल बेटी। क्या कीमत लगाई है? 1 रुपया। What? I'm sorry, शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको छूने की कीमत 1 रुपये से ज्यादा होनी चाहिए। कांटे भी ज्यादा, जुझवा ही तो है प्यार, कभी जीत कभी हार, घबरा नहीं। वो इलाहाबाद की बात पे याद आया, इनसे मेरी पहली मुलाकात इलाहाबाद में हुई थी। अच्छा। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। मैं आप आओ बेटा। बेटे, शर्मा जी ने हमसे सब कुछ साफ साफ बतला दिया है। इनका बेटा तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है।
इतने थोड़े से अरसे में जो कुछ भी मैं इनके बारे में जान सका हूँ उसके हिसाब से ये एक बहुत ही नेक, शरीफ और इज्जतदार इंसान है। मुझे यकीन है कि इनका बेटा भी इनकी तरह ही होगा। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए। ये नामुमकिन है पापा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बेटा। बड़ी मुश्किलों से मेरा बेटा संभला है। अब अगर उसका दिल टूट गया ना तो वो टूट कर बिखर जाएगा बेटा, बिखर जाएगा, वो पागल हो जाएगा। बेटे बेटे उसे अपना लो, प्लीज अपना लो उसे। प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी कठोर मत बनो बेटे, मत बनो इतनी कठोर। मैं अपने बेटे की खातिर तमाम खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तुम्ही ने तो उसे भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था ना कि वो तमाम खूबियां उसमें है जो एक लड़की को चाहिए। और अब तुम उसके भरोसे उसके यकीन को चूर चूर कर देना चाहती। नहीं बेटे, नहीं बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे से शादी कर लो। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन क्यों नामुमकिन है बेटा, क्यों? जब ये मुमकिन है कि दुनिया वाले दिन रात हम पर ताने मारते हैं, जब ये मुमकिन है कि तुम्हारे पिताजी हर वक्त तनाव में जीते हैं, जब ये मुमकिन है कि मैं मंदिर जाती हूँ सिर्फ तुम्हारी शादी की दुआएं मांगने, तो फिर तुम्हारी शादी क्यों नामुमकिन है बेटा, क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है मामा। आप लोग सब कुछ भूल जाने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि मैं शादीशुदा हूँ। जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले तो आप सब जान ही गए होंगे कि मैं किसी और से शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा तन मन सब मोहन की अमानत है। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उसी की हूं। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, हमेशा। Just follow with these guys, hmm? All right? All right. मैं उनको फोन करके देखूँ क्या कह रहे हैं। Okay. All right? Okay. Okay. मैडम, वो जो आदमी बाहर वेट कर रहे थे देर से। Oh my God, मैं भूल ही गई। उनको अंदर भेजो। Yes. Hi. क्या काम है? बैठ सकता हूँ? बैठ ही जाता हूँ। बोलो, क्या काम है? जी, वो दरअसल मुझे अपने लिए एक बीवी की तलाश है। बहुत ढूंढा लेकिन मिलती नहीं।
फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप लोग यहाँ लोगों को जीवन साथी चुनने में मदद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। लेकिन बाय गॉड की कसम मैडम, अगर मुझे पता होता कि मेरी यहाँ टक्कर आपसे होने वाली है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। देखिए, मेरी किसी से कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, मैं उससे काम पे अफेक्ट नहीं करती। ओह, दैट्स वेरी नाइस, गुड। बताइए, आपको किस टाइप की बीवी चाहिए? लिखिए, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, खोरा रंग, दिलकश आवाज, नशीली कंठीली। लिखे ना जी, मुस्कुराए तो आंखें चुरा चुरा कर, और प्यार जताए तो रूठ कर, चिढ़ कर, खुन्नस खाकर। एंड मैडम, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। कभी 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 उसे पीकर टोन होना चाहिए, मजा ही आ जाए। गेट आउट, दफा हो जाओ यहां से। अगली बार मुझे इस ऑफिस में नजर आए ना तो गार्ड से कहकर बाहर फेंकवा दूंगी। चलो, लीव राइट नाउ। क्यों मैडम, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी क्या? या फिर ऐसी लड़की का कोई और चक्कर है? आई सेड लीव राइट नाउ, ओके? ठीक है, जाता हूँ, लेकिन पहले आप मेरा हिसाब तो साफ कीजिए। कौन सा हिसाब? अरे, एक रुपया आपको छूने की कीमत दीजिए। ये लो मैडम, ये तो 100 रुपया है। क्या आप चाहती हैं मैं आपको 99 बार और छूं? गार्ड, जाता हूँ। प्लीज डोंट कॉल द गार्ड्स। थैंक यू, बाय। Uncle, are you all right? Yeah, I'm fine. I think age is catching up. वैसे भी हर 10 मिनट पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ता है। अब तुम्हारे तरह तो नहीं भाग दौड़ सकते ना। Come on, uncle. Age is all in the mind. चुस्ती फुर्ती का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ चाहिए तो अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना। फिर देखिए, आप माउंट एवरेस्ट तक भी जा सकते हैं। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो भाई? No, uncle, I'm serious. I'm really serious. चलिए, आज से मैं रोज आपको यहाँ पर आकर योगा के कुछ आसन सिखाऊंगा। And I promise you, कुछ ही दिनों में आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर भाग पाएंगे। Really? I swear. ये बात है तो ठीक है भाई। आओ, तब ठीक है फिर। तुम्हारा नाम क्या है भाई? विक्रम, विक्रम नारंग। अच्छा, जब ये भाग दौड़ नहीं करते हो तब क्या करते हो तुम? ओम शिवाय, 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 ओम शिवाय। अद्भुत, इस जमाने में इतना भक्ति भाव मुश्किल से देखने को मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? विक्रम नारंग माजी। माजी, तुमने मुझे माजी कहकर बुलाया? आजकल के बच्चे तो अपनी सगी मौसी को आंटी कहकर बुलाते हैं। कोई और होता तो शायद मैं भी आंटी ही कहता, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी खोई हुई माँ आसमान से धरती पर मेरे सामने खड़ी है। तो बेटा, क्या तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है? दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? मेरे दिल में तो है ना। क्यों माँ जी, है ना माँ जी? हाँ बेटा, और अब जब तुमने मुझे माँ जी कह ही दिया है तो अपनी इस माँ की एक बात मानोगे? जी। आज के बाद जब भी तुम्हें अपनी उस माँ की याद आए तो मेरे पास चले आना।
पास ही में रहती हूँ, आओगे ना बेटा? आप इतने प्यार से बुला रही है कि मना भी नहीं किया जाता। एक काम कीजिए, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। सर बेटा। ओम नमो शिवाय। सुबह से हॉल के चक्कर काट रहे हैं? अरे आप मेरी छोड़िए, अपनी कहिए। सुबह से देखे जा रहा हूँ कि आप फूल लगा रही हैं, घर सजा रही हैं, आखिर बात क्या है? कोई आने वाला है क्या? सच कहूँ? बैठिए। वाकई कोई आने वाला है। कौन? एक बहुत ही अच्छा लड़का। इस जमाने में इतना सीधा, इतना सलीकेदार लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर संजना ने उसे पसंद कर लिया ना तो बस। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। संजना को वो लड़का एकदम पसंद नहीं आना चाहिए। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि संजना के लिए जो लड़का मैंने देखा है उससे अच्छा लड़का तो हो ही नहीं सकता। अरे आप देखेंगी ना तो आप भी मेरी पसंद का लोहा मान जाएंगी। होगा, होगा आपका पसंद वाला लड़का लाखों में एक, पर संजना विक्रम से ही शादी करेगी, समझे ना? आपने शायद मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैंने कहा ना कि इस लड़के से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता संजना के लिए, तो बस बात खत्म। आप हर बार अपनी मनमानी करते हैं, पर इस बार आपकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। संजना विक्रम से ही शादी करेगी, बस। संजना की शादी अगर किसी के साथ होगी तो वो विक्रम के साथ। नहीं, संजना विक्रम से शादी करेगी। विक्रम से ही करेगी शादी। विक्रम से? जी नहीं, विक्रम से। विक्रम से होगी? जी नहीं, विक्रम से। विक्रम, 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 विक्रम। मजा आ गया, मजा आ गया। भाई आप दोनों इस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी विक्रम के साथ होनी चाहिए। क्या आपने एक बार भी सोचा हो सकता है आप दोनों का विक्रम एक ही हो? तो तुम्हारा विक्रम भी यही है? और हाँ भाई ये तो चमत्कार हो गया। बेटा अंदर आओ, बैठो 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 बैठो। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंकल, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अरे बेटा, ये तो तुमने हमारे मन की बात कह दी, तो फिर अब देर किस बात की? शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। What do you say? Perfect. नहीं माजी। देखिए अंकल, मैं जानता हूँ आप दोनों मुझे पसंद करते हैं, लेकिन आपकी बेटी मुझे पसंद नहीं करती, और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई जबरदस्ती होए। इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ और फिर बिना किसी बंधन के उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, ताकि उसे मुझे जानने का मौका मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, मेरे पेरेंट्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहकाने की कोशिश कर रहे हो? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। संजना माजी, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो संजना, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। I swear and I promise you, एक बार मैं किसी का भी दोस्त बन जाता हूँ ना, तो फिर उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? जी हाँ। तो फिर ठीक है, अगर तुम वाकई में साबित करना चाहते हो कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मेरा एक काम करोगे? जरूर। बैठो बैठो, बताओ क्या बात है।
देखो, बचपन में मेरा एक दोस्त था जो मेरी जिंदगी से उतर चला गया, लेकिन उसकी यादें अभी भी मेरी धड़कनों में बसी हुई हैं। मैं उन यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। अगर तुम सचमुच ये साबित करना चाहते हो कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम्हें मुझे उन सब जगहों पर लेके जाना होगा जहाँ मेरे दोस्त की यादें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। बोलो, लेके जा सकते हो मुझे वहाँ? आपकी ख्वाहिश सर, आँखों पर। पति पत्नी बनने से पहले मैं और मोहन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमारी जिंदगी एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर ही खत्म हो जाती थी। हमारा यही प्यार देखकर हमारे मम्मी पापा ने हमारी शादी करवा दी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मोहन के पिता का देहांत हो गया और उसे ये गांव छोड़कर अपने मामा के यहाँ दूसरे गांव में रहना पड़ा। हमारा रिश्ता चिट्ठियों के सहारे फिर भी बढ़ता गया, लेकिन एक दिन खबर आई कि मोहन के गांव में बाढ़ आ गई और सारा गांव तहस नहस हो गया। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने मोहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे भरोसा था कि मोहन जिंदा है और अब वो एक ना एक दिन जरूर आएगा। हम लोग गांव छोड़कर शहर चले आए। मैंने अपनी पूरी दुनिया बदल डाली और अपने आप को एक नई दुनिया में ढालने की कोशिश की। सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो मोहन के लिए मेरा प्यार। आज भी तन्हाई में जब मैं रोती हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा मोहन बचपन की तरह फिर से मुझे एक गीत सुनाएगा और उसके गीत में मैं अपना सारा दर्द, सारा गम भूल जाऊंगी। लेकिन बरसों बीत गए, रोज मेरे आंसू सूख जाते हैं, लेकिन मैं मोहन का गीत कभी नहीं सुन पाती, कभी नहीं। ठहरो, एक मिनट। सच्ची मोहब्बत की एक बूंद ने
ना पाकर जैसे के दिन रात सूख गए। सब ख्वाब सूख गए। तुम एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं मोहन के बारे में हर बात कर सकती हूँ, उसकी हर याद को बांट सकती हूँ, वरना आज तक तुम्हें अकेले अकेले उसको खोने का दर्द सहती रही। लेकिन अब जो तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर रही हूँ, बहुत हल्का। बैठे। झरना हो झरना प्यार मेरा है एक झरना झरना। ये लीजिए। थैंक्स अ लॉट। मेरी बहुत दिनों से मुराद थी, तुमने पूरी कर दी। आओ। क्या हुआ, तुम अंदर नहीं आ रहे हो? मैं बाहर ही ठीक हूं, तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे दिल से। ये तुम्हें क्या हो गया है विक्रम? जो हो गया वो तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन जो होना नहीं चाहिए वो तो मेरे बस में है ना। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तो हमेशा मोहन के ख्यालों में ही खोया रहता है। सामने न होते हुए भी वो तुम्हारे इतने करीब है कि तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। समझ रहा, मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए दोस्ती ही नहीं मोहब्बत का जज्बा भी जगाना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर अफसोस मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज मुझे तुमसे चाहिए वो तो तुम्हारे पास भी नहीं है। वो तो कब की मोहन की हो चुकी है। आज की मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। यार चला जाए याद नहीं जाए, जान चली जाए प्यार नहीं जाए, क्यों नहीं भूले कहीं छूले मिटा भी दे दिल से हर एक भी दे दिल को फिर से एक बार। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, I swear and I promise you, एक बार मैं किसी का भी दोस्त बन जाता हूँ ना तो फिर उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्यार है नजरों का धोखा जुआ ही तो है प्यार, कभी जीत कभी हार, क्योंकि जो चीज मुझे तुमसे चाहिए वो तो तुम्हारे पास भी नहीं है। वो तो कब की मोहन की हो चुकी है। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। जो की पहली भूल
जो खुशबू का वादा शायद हो सा कांटे भी ज्यादा जुआ ही तो है प्यार कभी जीत कभी हार घबरा नहीं संजना, तुम्हें भूलना होगा कि मोहन नाम का कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में कभी था। पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। ये सब किताबी बातें हैं यार। किताबों में, कहानियों में, कविताओं में अच्छी लगती है। हकीकत में प्यार प्यार होता है, पहला या दूसरा नहीं, सच्चा या झूठा नहीं। तुम्हें समझना होगा संजना, प्यार प्यार होता है। इतने अरसे बाद तुम्हें प्यार का एहसास हुआ है, इसे किसी भी कीमत पर खोना मत, किसी भी कीमत पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो मेरे पास वक्त नहीं है। मैं दो कदम तुम्हारे साथ तो चल सकती हूँ विक्रम। बोल। देखो ये जरूरी तो नहीं कि प्यार खत्म हो जाने से रिश्ता भी खत्म हो जाता है। ये भी तो हो सकता है कि वक्त के साथ साथ रिश्ते का रंग बदल जाए फिर भी रिश्ता कायम रहे। हम प्रेमी बनकर नहीं लेकिन दोस्त बनकर तो साथ हो ही सकते हैं। और फिर तुमने भी तो अच्छा दोस्त बनने का वादा किया था ना विक्रम। किया था लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वादे निभाना कितना मुश्किल होता है। पक्के वादे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को कमजोर कर देते हैं। और फिर मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। बोलो विक्रम आओगे ना? तुम्हारा आना ही मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा प्रेजेंट होगा। बोलो ना। पता नहीं, सोचूंगा। विक्रम देर हो गई, केक काट लेते हैं? मम्मी थोड़ी देर और प्लीज, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। ओके। देरी का। आइए। हेलो। आप ही का इंतजार हो रहा था। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। चल बेटा, केक काट लेते हैं। आओ ना। नहीं मैं ही ठीक हूँ। एक मिनट, मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। दोस्तों जन्मदिन तो मैं हर साल मनाती हूँ लेकिन इस बार का जन्मदिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्योंकि इस बार जो मैंने फैसला किया है वो मेरी ज़िंदगी बदल देगा, मेरे पेरेंट्स के दिल में खुशियाँ ले आएगा और आप सबके चेहरों पर रौनक ले आएगा। बेटी ये तो क्या कह रही है, साफ साफ बता। मामा आप सब लोगों को यही फिक्र लगी रहती थी ना कि मैं कब घर बसा रही हूँ, तो मैंने अपनी बाकी की जिंदगी के लिए एक हमसफर ढूंढ लिया है। सच? कौन है वो? विक्रम। जी हाँ, मैंने विक्रम के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। विक्रम तो गया। तुम ऐसे पार्टी छोड़ के क्यों चले आए? क्या जो मैंने फैसला किया तुम हमेशा से नहीं चाहते थे? सच सच बताओ संजना, तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया? मैंने तुम में मोहन को देखा है। तुम्हारी आंखों में मोहन की आंखों की चमक है, तुम्हारी मुस्कुराहट में मोहन की सच्चाई है, तुम्हारी आवाज में मोहन की कशिश है, तुम्हारे प्यार में तुम्हारे अंदाज में मोहन ही मोहन है। बस बस
मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मोहन से तुम्हें जुड़े रखने की एक कड़ी हूं। तुम मोहन से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मेरा हाथ थामने का फैसला करने के पहले एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? आग चली जाए, राख नहीं जाए, रंग चला जाए, दाग नहीं जाए। मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मोहन से तुम्हें जुड़े रखने की एक कड़ी हूं। तुम मोहन से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मेरा हाथ थामने का फैसला करने के पहले एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? तुम यही जानना चाहते हो ना विक्रम, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? आज मैं तुम्हें इसी सवाल का जवाब देने आई हूँ। जवाब तो तुम्हें अपने आप को देना है संजना, क्योंकि जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिल जाता, तुम अपनी जिंदगी का रास्ता तय नहीं कर पाओगी। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है विक्रम, वही रास्ता जिस पे चल के मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला सकूं। सच सच क्या तुम शादी कर रहे हो? दैट्स फैंटास्टिक। स्वाति जरा मेरी डायरी में नोट कर लो प्लीज। कौन है वो खुशनसीब लड़की? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी नेहा है। अच्छा संजना, मेरा पहला प्यार मेरे पास लौटा है और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इनकार कर दिया, वरना अगर उसके बाद नेहा आती तो मैं उसे क्या मुंह दिखाती? शादी में जरूर। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संजना, मेरा पहला प्यार मेरे पास लौटा है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले संजना, क्या हुआ? तुम अचानक मंडप छोड़कर क्यों चली आई? प्लीज विक्रम, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। संजना, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज विक्रम, प्लीज। संजना, दिस इज विक्रम हियर। किसका फोन था बेटी? कुछ नहीं मामा, रॉन्ग नंबर था। संजना? जी मामा। बेटा, विक्रम का दो बार फोन आया था, क्या बात है? तुम दोनों आजकल मिल नहीं रहे, कोई अनबन हुई है क्या? नहीं मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आजकल वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, और कोई बात नहीं है, बस दैट्स ऑल। ये भेज देते, हाँ ये भी भेज देते। क्या हुआ?
गीतिका तुम मेरा एक काम करोगी, तुम्हें मेरी खातिर विक्रम से मिलना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर सब ठीक है तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। मैं उसको फोन करता हूँ, मेरे फोन कॉल्स अटेंड नहीं करती। मैं उसके ऑफिस जाता हूँ, वो हमेशा मीटिंग में बिजी रहती है, घर में भी मुझसे नहीं मिलती। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। जाहिर है वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। इनफैक्ट आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि उसका पीछा करना फिजूल है, वो तुम्हें नहीं मिलेगी विक्रम। But I don't understand, ये सब अचानक कैसे हुआ? कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक उसको मुझ में क्या प्रॉब्लम दिख गई? प्रॉब्लम उसे तुमसे नहीं, अपने आप से है। यकीन मानो संजना के दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है, करवाहट नहीं है, बस वो अपनी उलझनों से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे छोड़कर वो मेरी जिंदगी को बर्बादी से कैसे बचाएगी? उसने फैसला किया है कि वो तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढेगी जिसका दिल तुम्हारे जितना साफ और सच्चा हो। ये जरूरी तो नहीं कि किसी सच्चे और साफ दिल में मुझे उतनी ही मोहब्बत मिले जितने संजना की उलझनों में मिलती है। नहीं गीतिका, अगर संजना ने मुझे ठुकराया है तो इसमें उसकी गलती नहीं। जरूर कमी मेरे प्यार में रही होगी कि मैं संजना की उलझनों को नहीं सुलझा पाया। शायद मैं किसी के प्यार के काबिल ही नहीं हूं। तो ऐसा कहा विक्रम ने? हाँ, तुम्हारे मना करने के बाद जो नितिन का हाल हुआ था, मुझे डर है कहीं विक्रम के साथ ऐसा ना हो। तो मैं क्या करूं गीतिका? तुम ही सोच लो। आप लोग ब्रेक ले लीजिए। क्यों आई हो तुम यहां? देखो संजना, जैसे तुम अपने लिए चैन ढूंढ रही हो, मैं भी अपने लिए सुकून ढूंढ रहा हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी में आकर वापस न जाने का वादा करती हो तो आओ, लेकिन अगर तुमने बार बार मेरी जिंदगी में आकर बार बार मेरी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया है तो प्लीज प्लीज संजना, मेरे दिल के साथ मत खेलो। आज मैं तुम्हें यही समझाने आई हूं कि इस कभी दूर कभी पास के सिलसिले के जिम्मेदार तुम नहीं, मैं हूं। कमी तुम में नहीं, कमी मुझ में। इस रिश्ते में तुम नाकाम नहीं हुए बल्कि मैं नाकाम हुई हूं विक्रम। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मुझे मोहन की याद दिलाते हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ खिंची चली गई और यही वजह है कि मैं तुमसे दूर भागती रही। क्योंकि जब जब तुम मुझे मोहन की याद दिलाते हो, मुझे वो वादा याद आता है जो मैंने मोहन से किया था, वो सात फेरे जो मैंने मोहन के साथ लिए थे, वो कसमें जो मैंने मोहन के साथ खाई थी। और बार बार मुझे यही डर घेर लेता है कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया और किसी दिन मोहन वापस आ गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, मैं उसे कैसे नजरें मिलाऊंगी। इस गिल्ट के साथ अब मैं और नहीं जी सकती विक्रम, नहीं जी सकती। इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ने का
फैसला कर लिया है, लेकिन यकीन मानो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि क्योंकि आज तक मोहन जितना किसी को अगर मैंने प्यार किया है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। गुड बाय। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले शाम। हाँ संजना, मैं ही मोहन हूं। मैं चाहता तो तुम्हें तलाश करने के बाद तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास इसलिए आओ क्योंकि तुमने मेरे साथ साथ फेरे लिए हैं और तुम मेरी होने के लिए मजबूर हो। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए सच्चा प्यार जगाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं प्यार हर कसम, हर रसम, हर वादे से परे है। निहारूंगा मैं पलकन डगर बुहारूंगा तेरे।